नमस्कार, चरक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप आयुर्वेद, मानव शरीर के रोग व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तरबूज खाने के फायदे और नुकसान। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही तरबूज खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तरबूज का सेवन बहुत लाभकारी होता है। तरबूज को जो कि बाहर से देखने में थोड़ा कड़क और अंदर से एकदम नरम होता है, तरबूज को हम एक स्वादिष्ट फल के रूप में तो जानते ही हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि तरबूज अत्यधिक पौष्टिक भी है। तरबूज जो हमें गर्मी में ठंडक एहसास दिलाता है, वह हमें अनेक बीमारियों से न केवल लड़ते की क्षमता देता है अपितु उनसे बचाता भी है। तरबूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी निहित हैं। यह मिनरल का अच्छा स्रोत माना जाता है। तरबूज खाने से आपको ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ गर्मी से राहत प्राप्त होती है, क्योंकि तरबूज शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसमें बीटा कैरोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तरबूज में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो आपको कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं तरबूज खाने के फायदे। फायदा नंबर 1, वजन को कम करे। तरबूज को ना ही तो वजन बढ़ाता है और ना ही कोलेस्ट्रॉल, ऊपर से इसमें कैलोरी भी कम होती है। तरबूज में सिट्रुलिन नाम का एक तत्व होता है जो शरीर का वजन घटाने में अत्यंत सहायक है। पोषण के जर्नल में प्रकाशित 2007 के एक अध्ययन के अनुसार यह तत्व हृदय के कार्य में सुधार लाता है और चर्बी के को शरीर में जमा होने से रुकता है। चूंकि इसमें 90% पानी होता है, इससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है और हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। नंबर 2, सिर दर्द से राहत। गर्मियों के मौसम में अक्सर सिर दर्द की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में आप सिर दर्द को दूर करने के लिए तरबूज का सहारा ले सकते हैं। तरबूज खाने से शरीर को ठंडक प्राप्त होती है और गर्मी की वजह से ही हो रहा सिर दर्द भी दूर हो जाता है। इसलिए गर्मियों में सिर दर्द को ठीक करने के लिए तरबूज को खाना लाभदायक माना जाता है। फायदा नंबर 3, मांसपेशियों के दर्द से दिलाई राहत। मांसपेशियों में पूरे दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक व्यायाम करना, किसी तरह का मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होना। ऐसी स्थिति में आप तरबूज का सेवन कर मांसपेशियों के दर्द को कम कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर आप मांसपेशियों के दर्द को तरबूज खाकर कम करते हैं तो आप जल्द ही मांसपेशियों के दर्द से राहत पा पाते हैं, क्योंकि तरबूज में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अमीनो एसिड L-citrulline पाया जाता है, जो मांसपेशियों के दर्द को कम करने में सहायक होता है। आप मांसपेशियों के दर्द में राहत पाने के लिए तरबूज के जूस का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके शरीर में पानी से हुई कमी को भी पूरा करता है। साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी प्राप्त हो जाती है और मांसपेशियों के जरूरी प्रोटीन भी इसमें मिलता है। फायदा नंबर 4, रक्तचाप को कम करने में। जैसा कि आप जानते हैं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में पोटेशियम और सोडियम के स्तर को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। तरबूज में पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर में स्थित एक कोशिकाओं को स्वस्थ रखने का काम करता है। एक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया कि अधिक मोटापे से ग्रस्त लोगों में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए तरबूज का सेवन लाभकारी साबित हुआ है। इसके लिए आप तरबूज के एक गिलास जूस का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप से छुटकारा पा सकते हैं। फायदा नंबर 5, ऊर्जावान बने रहने के लिए। अधिक समय तक किसी कार्य को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तरबूज खाकर आप अपने शरीर को अधिक ऊर्जा दे सकते हैं, क्योंकि तरबूज में ऊर्जा स्तर बढ़ाने की क्षमता होती है। तरबूज में पोटेशियम, विटामिन और बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो आपके शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है और उसे स्थिर बनाए रखती है। यदि आप व्यायाम करने से पहले तरबूज के जूस का सेवन करते हैं तो आपको व्यायाम के दौरान डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती है और आपकी ऊर्जा का स्तर भी बना रहता है। नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको शरीर में पोषक तत्वों के साथ साथ हार्मोन्स के स्तर में भी
संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इन दोनों के स्तर में परिवर्तन कई प्रकार की मानसिक समस्याएं हैं, जिसमें चिंता, तनाव, सिरदर्द और डिप्रेशन जैसी बड़ी समस्याएं भी शामिल होती हैं। इनको दूर करने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। तरबूज में मन को शांत करने वाले गुण पाए जाते हैं, जिसमें पाए जाने वाला विटामिन सी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन कर आप अपने मस्तिष्क को खुश रख सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। फायदा नंबर 7, पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए। जी हाँ, तरबूज को खाकर आप अपनी यौन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नपुंसकता से जूझ रहे लोगों के लिए तरबूज व्याग्रा की तरह कार्य कर सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि तरबूज में व्याग्रा की दवा की जैसे गुण मौजूद होते हैं, इसलिए तरबूज का सेवन सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तरबूज के जूस को पीने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि होती है, जो कि सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है। इस प्रकार तरबूज का सेवन यौन शक्ति बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक व्याग्रा के रूप में किया जा सका है। फायदा नंबर 8, गुर्दे के स्वास्थ्य रखने में। पानी की कमी होने पर कई बार गुर्दे में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तरबूज एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में गुर्दे की मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थ आसानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फायदा नंबर 9, आंखों के लिए। लाइकोपिन एवं विटामिन ए का मिश्रण आंख से संबंधित अनेक बीमारियों जैसे रतौंधी, मोतियाबिंद और अन्य उम्र से संबंधित समस्याओं में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होने की वजह से तरबूज आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तरबूज रेटिना में पिगमेंट के उत्पादन में मदद करता है, इसलिए तरबूज खाने से आंखों को स्वास्थ्य रखा जा सकता है। फायदा नंबर 10, कैंसर से बचाव। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होते हैं। इसमें लाइकोपिन की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है। लाइकोपिन एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कैंसर होने की संभावना को बहुत कम करता है। तरबूज न केवल कैंसर को बचाव करने में सक्षम है, अपितु यह कैंसर के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कोशिकाओं को कैंसर के बार से बचाता है और कुछ प्रकार के कैंसरों के खतरे को भी कम कर देता है। फायदा नंबर 11, एंटीऑक्सीडेंट का भंडार। तरबूज एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर को रोग मुक्त रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन सी, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन, लूटीन जैसे फ्लेवोनॉइड्स का बहुत अच्छा स्रोत है। तरबूज एक चमत्कारिक गुण हमें संधि शोथ, ऑस्टियोथायराइटिस, अस्थमा, दिल के दौरे एवं अन्य कई बीमारियों से बचाता है। यह प्रदूषण के कारण होने वाले त्वचा के नुकसान पर भी रोक लगाता है। फायदा नंबर 12, अस्थमा में। एक नई रिसर्च का यह पता चला है कि शरीर में विटामिन सी का स्तर कम होने की वजह से अस्थमा के दौरे बढ़ सकते हैं, जो शरीर में विटामिन सी का उच्च स्तर अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अधिक विटामिन सी से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाने से अस्थमा काबू में रह सकता है, जैसे तरबूज में जिसमें 40% विटामिन सी पाया जाता है और इसे प्रतिदिन खाया जा सकता है। फायदा नंबर 13, गर्भावस्था में। गर्भवती महिलाओं को विभिन्न पाचन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एसिडिटी, सीने में जलन। तरबूज की तासीर ठंडी होती है, जो इन समस्याओं से तुरंत राहत देते हुए इन्हें कम करने में मदद करता है। तरबूज का किसी भी रूप में सेवन करने से शरीर को मांसपेशियों की ऐंठन से राहत मिलती है। तरबूज पाचन को सही करता है और बदले में त्वचा को अच्छा करता है। त्वचा के विभिन्न हिस्सों में पिगमेंटेशन को शरीर की नियमित सफाई से कम किया जाता है और त्वचा को निखारा जा सकता है। 4, गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक आम समस्या है। तरबूज का सेवन करने से कब्ज को ठीक करने में मदद मिल सकती है। नंबर 5, तरबूज आपके शरीर को तापमान और रक्तचाप दोनों को ही कम करने में मदद करता है। बहुत से लोग गर्मियों के दौरान इस फल का सेवन करते हैं, जिससे उन्हें लू लगने का खतरा कम होता है। तरबूज के अंदर पानी उच्च मात्रा में मौजूद होता है, जो पसीने के रूप में अतिरिक्त तरल को शरीर से बाहर निकालता है और गर्मियों के दिनों में आपको शरीर को ठंडा करता है। आइए अब जानते हैं कि तरबूज की तासीर के बारे में। तरबूज की तासीर ठंडी होती है और इसका सेवन गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। तरबूज खाने से कब्ज भी ठीक हो सकता है। तरबूज के अंदर पानी अधिक मात्रा में होता है, जो पसीने के रूप में अतिरिक्त तरल को शरीर से बाहर निकालता है और गर्मियों के दिनों में आपके शरीर को ठंडा करता है।
आइए अब जानते हैं तरबूज खाने का सही तरीका। आप तरबूज को काटकर इसका सेवन कर सकती हैं। तरबूज को सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तरबूज को मिक्सर में पीस लें और उसका पानी पिए। तरबूज का कॉकटेल या मॉकटेल बनाकर भी आप इसे पी सकते हैं। आइए अब जानते हैं तरबूज खाने का सही समय क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से तरबूज को रात के समय नहीं खाना चाहिए, इससे दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है। तरबूज खाने का सही समय सुबह या दोपहर का होता है। केवल तरबूज ही नहीं, हर फल को सुबह और दोपहर में ही खाना चाहिए। जैसा कि आपने ऊपर जाना, तरबूज खाने के अनेक फायदे हैं, किंतु अगर तरबूज की सही मात्रा में सेवन न किया जाए तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं तरबूज खाने के नुकसान क्या हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। नंबर वन, तरबूज का कम मात्रा में सेवन बहुत ही लाभदायक होता है एवं वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 200 ग्राम से अधिक तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से गुर्दे जैसी समस्या से परेशान है, उसे तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, बहुत अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन करना ब्लड रक्त शर्करा को बढ़ा सकता है, इसलिए तरबूज का सेवन डायबिटीज के ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कम मात्रा में ही तरबूज का सेवन करना चाहिए। नंबर चार, तरबूज को रक्तचाप से ग्रस्त व्यक्तियों को भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तरबूज में अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि रक्तचाप को कम कर सकता है, हृदय संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, तरबूज में लाइकोपीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा में सेवन से दस्त, उल्टी, अपच और गैस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। नंबर छह, तरबूज खाने के बाद लगभग आधे से एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे यकीन है कि दुष्प्रभावों की कोई भी मात्रा आपको अपने पसंदीदा तरबूज से दूर नहीं रखेगी, लेकिन इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए की कोशिश करें और अपने तरबूज से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। किसी भी सप्लीमेंट के मुकाबले फल अधिक पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं और तरबूज भी उन्हीं फलों में से एक है। इसका संतुलित मात्रा में अगर आप सेवन किया जाए तो ये गुणों का खजाना हो सकता है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको तरबूज खाने से जुड़े सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई उलझन है तो आप उसे कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। चरक आयुर्वेदा की इस वीडियो को देखने, शेयर व लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।